भाभी शारदा तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। भाभी ये कैसी हालत बना रखी आपने? मेरी तो दुनिया ही वीरान हो गई शारदा। ऐसी बातें क्यों कह रही है भाभी? भगवान भैया को सलामत रखे, वो एक दिन जरूर लौट आएंगे। आप प्लीज इस तरह निराश मत होइए। अगर वो लौटा है तो मैं अपने आप को सौभाग्यवती समझूंगी, लेकिन उनके लौटने से पहले मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, ताकि जब वो लौट कर आए तो मैं उनसे नजरें मिला सकूं। ये लो शारदा, अब ये कंपनी तुम्हारी हुई। इस तरह की बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं भाभी। मैं आपके ये शेयर्स नहीं ले सकती। ये शेयर्स रख लो प्लीज। क्या तुम मेरी कोशिशों को नाकाम करना चाहती? भाभी कहते हैं कि गुनाहों का एहसास गुनाहों को धो डालता है, और अब जब आपको ये एहसास हो ही गया है तो फिर ये सब चीजों की क्या जरूरत? तो क्या मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने भी और मेरे भगवान ने भी। चलिए भाभी आप ये सब कपड़े चेंज कर लीजिए। भगवान की दया से भैया जिंदा हैं, और उनके रहते हुए आपको इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, लेकिन शारदा तुम ये शेयर्स रख लो। आधे तुम्हारे पास रहेंगे, आधे मेरे पास रहेंगे, तो दुनिया न जाने कैसी कैसी बातें करेगी। और मैं नहीं चाहती हमारे इतने प्यारे रिश्ते को किसी की नजर लग जाए। ये शेयर्स तुम ही रखो शारदा। ठीक है भाभी, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो एक काम करते हैं, मैं अपने सारे शेयर आपके नाम कर देती हूँ। अब तो ठीक है।